हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी ठीक है। तो हम कर रहे हैं साफ सफाई और हमारा स्वच्छता अभियान अभी ख़त्म नहीं हो रहा है और मैं यहाँ निकाल रही हूँ अपनी बैग्स क्योंकि मैं जा रही हूँ नागपुर। आप भी ऐसे सोच रहे हैं ना? नहीं नहीं, अभी नहीं जा रही हूँ, बट वहाँ से निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे जो जो सामान याद आएगा तो मैं वो सामान उसमें रखूँगी। और बहुत दिन हो गए मैंने यहाँ से सामान नहीं निकाला, साफ़ सफाई नहीं की, और अभी दिवाली है तो हमें लाइटिंग्स वगैरह सब निकालनी है, तो सब यहीं पर रखा है बैग्स वगैरह में डाल के अच्छे से पैक करके। कर्टन्स और जो लाइटिंग्स होती है वो सब यहाँ पे, तो वो सब मैं यहाँ से निकाल रही हूँ और अपने बैग भी निकाल रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। नहीं, मैं बैग निकाल रही हूँ क्योंकि मैं नागपुर जाऊँगी और उसके लिए मुझे यहाँ पे भरना है बहुत सारा सामान, क्योंकि फिर याद नहीं आता ना टाइम पे, इसलिए। और थोड़ा सामान निकालते ही मुझे मिल गई लाइटिंग्स की बैग। इस बैग में मैंने सारे लाइटिंग्स वगैरह सब प्रॉपर अरेंज करके रख दिए हैं, मतलब इधर उधर ढूंढना नहीं और ख़राब होना नहीं, एक जगह अच्छे से पैक करके रखो तो आसानी से मिल जाते हैं। अभी मैं निकालूंगी पुराने कपड़ों का कचरा, यानी जो कपड़े मैं पहन नहीं रही हूँ और जो यूज़ में नहीं थे, मैंने सब ऐसे ही उठा के ऐसे बैग में डाल के रख दिए थे। बट अभी सोच रही हूँ कि कुछ सामान जो मुझे नॉट यूज़ है मैं सा नागपुर लेके जाऊँ, वहाँ किसी को दे दूँ या फिर मेरी बहन को वगैरह हो जाएंगे वो कपड़े, क्योंकि अभी मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ तो उनको हो सकते हैं, इसलिए उनको दे दूँगी, नहीं तो फिर वो जो मैट्स वगैरह बनाते उसके लिए दे दूँगी। तो सोच रही हूँ वहाँ से अभी मैं कुछ शॉर्ट आउट कर लेती हूँ और जो बहुत ही ख़राब कपड़े हैं वो अभी दिवाली के साफ सफाई में काम आएंगे पोछा ओछा करने के। तो ये स्वच्छता अभियान तो मेरा हमेशा चलता ही रहता है। मेरे शादी का लहंगा और रिसेप्शन का वन पीस नागपुर में ही है, उसको 2 साल से हमने देखा नहीं, उसकी हालत क्या होगी पता नहीं, क्योंकि बहुत दिनों तक ये कपड़े पैक रखो तो बास लग जाता है। और रिसेप्शन का जो यहाँ रिसेप्शन हुआ था, जो वो लहंगा मैं जो यहाँ पहनी थी वो इस बैग में हम यहाँ लेके आए थे नागपुर से, तो यहाँ पहना तो यही है। तो ये ऐसे ट्रॉली बैग में मैंने पैक करके रखा था क्योंकि अच्छी स्पेस चाहिए रहती है उसको। और जैसे मैंने बैग खोली, कितनी सुंदर बदबू आई मुझे कि पूछो ही मत, इतनी गंदी बास आ रही थी ना उसमें से। तो अब मुझे इसको तो वॉश कर नहीं सकते, लॉन्ड्री में दे नहीं सकते, क्योंकि मैंने इसे हार्डली 1 या 1.5 घंटा पहना है, उससे ज़्यादा नहीं, 2 घंटे, उतना ही रिसेप्शन प्रोग्राम तक, फिर उसके बाद नहीं पहना। और इतना ख़राब भी नहीं हुआ है, जस्ट वो कपड़े जो इसके बैक के कपड़े की स्मेल होती है वो लग गई है, तो इसे मैं धूप में डाल देती हूँ सुखाने के लिए, तब फिर उसके बाद अच्छी धूप में सुखाएगी, हवा लगेगी तो वो स्मेल चली जाएंगी, और फिर नेप्थलीन बॉल डाल के उसे रख दूंगी पैक करके। और जितना लाइट वेट सामान था तो वो तो मुझसे निकल गया, बट अभी ये बहुत हेवी बैग है और इसमें बहुत यानी बहुत सारे कपड़े हैं, पापा के हैं, इनके हैं, खुशू के हैं, मम्मी की साड़ियाँ हैं, जो पुरानी सारे कपड़े हैं वो सब इसमें अच्छे से दबा दबा के भरे हैं हमने, और बहुत सारे हेवी बैग्स हैं तो ये मुझसे तो नहीं उठाएगी, तो मुझे समीर की हेल्प लेनी पड़ी बैग्स निकालने के लिए। और मेरी साफ सफाई हो गई, मोबाइल पता नहीं कैसे कैमरा बंद हो गया था, तो और यहाँ मम्मी की साफ सफाई चालू है, तो मम्मी की वार्डरोब की, तो उन्होंने कुछ कपड़े निकाल लिए हैं यहाँ से साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन तक अपन कपड़े ऐसे वार्डरोब में रहेंगे ना, अभी तो कोविड के वजह तो कहीं जा भी नहीं सकते, इसलिए कबर्ड में भरे पड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से इसको भी धूप दिखाने के लिए निकाले हैं। तो हमारे काम तो चलते ही रहेंगे। और ये गए थे फिश मार्केट, तो उन्होंने वहाँ से वीडियो बना के लाया, बट प्रॉपर वीडियो बनाया ही नहीं, कैसा तो भी उन्होंने बनाया है, तो मैं भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। यहाँ पे मॉल है, फिश मॉल है, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको इजीली, तो वहाँ का ये वीडियो है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। राजे हम राजे मैं कह रहा हूं कि ये
हजार कितनी प्राइस है? छोटी कैसे छोटी कैसे लगा इधर मोटी कैसे तो इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।